हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमजोली किचन। आज मैं आपको सोयाबीन का खड़ा कीमा बनाना सिखा रही हूँ, जो कि हमारे वेजिटेरियन भाई बहनों को बहुत पसंद आएगा। आज मैं आपको सोयाबीन का खड़ा कीमा बनाना सिखा रही हूँ, और ये अगर आपके पास इस तरह से ना हो तो आप ये पीसेस जो हैं इनको ग्राइंडर में इस तरह से मोटा मोटा पीस के और बना सकते हैं। सोयाबीन के खड़े कीमे में ये इस तरह से मोटी मोटी प्याज डलेगी कटी हुई, हरी मिर्ची कटी हुई डलेंगी, लहसुन कटा हुआ डलेगा, गरम मसाला पूरा साबुत होगा जिसमें कि जावित्री, लौंग, काली मिर्चें, जायफल और ये तेजपात के पत्ते जो बे लीव्स जो होते हैं, और हल्दी 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, सूखी लाल मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा। सोयाबीन का खड़ा कीमा बनाने के लिए सबसे पहले पॉट में आप सोयाबीन डालिए, उसके बाद इसमें सारे प्याज डालिए, खड़े गरम मसाले सारे डालिए, लहसुन डालिए कच्चा, साबुत लहसुन डालिए, हरी मिर्ची डालिए, सूखी लाल मिर्ची डालिए, नमक डालिए और ये हल्दी डालिए, गरम मसाला डालिए, मिर्च लाल मिर्च पाउडर डालिए और उसके बाद इसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए, सरसों का तेल जो ऊपर से डलेगा। अदरक लहसुन डालिए और थोड़ा सा इसमें पानी डाला जाएगा, आपको पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। प्लीज लाइक करें मेरे वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल क्लिक करना ना भूलें, ताकि मैं आपको फ्यूचर में अच्छे अच्छे वीडियोस दे सकूं और ब्यूटी टिप्स दे सकूं। थैंक यू वेरी मच।